नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच के कस्बा रुपए डीहा में सभी व्यापारियों ने पुलिस के उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर के एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बहराइच के रुपए डीहा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा कस्बे में एक बड़ी चोरी का खुलासा करने और अपराधियों को जेल भेजने पर रुपए डीहा के व्यापारियों ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक जुगल किशोर व अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह, सीओ नानपारा सुरेंद्र कुमार यादव व स्वाट टीम प्रभारी विनोद कुमार यादव और रुपए डीहा थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी सहित इस उत्कृष्ट कार्य में सभी पुलिस कर्मियों को माला एवं शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी रुपए डीहा अरुण कुमार द्विवेदी ने अभी कुछ दिन पहले ही चार्ज लिया और उन्होंने कहा था कि मैं इस चोरी का खुलासा जरूर करूंगा और उस पर पूरी तरह से खरे उतरे। बीते कुछ दिन पहले रुपए डीहा कस्बे में व्यवसायी संजय अग्रवाल के घर में बड़ी चोरी हुई थी, जिसका खुलासा उन्होंने कर दिया। साथ ही चोरी का माल बरामद कर चोर को जेल भी भेज दिया। इस पर पुलिस अधीक्षक बहराइच ने थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी को शाबाशी भी दी और कहा कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहना। इस सम्मान समारोह का आयोजन विजय मित्तल, रमेश अमलानी, धर्मेंद्र कौशल, रतन अग्रवाल, संजय अग्रवाल आदि व्यापारियों द्वारा मिलकर किया गया। साथ ही होली की सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। अस्सी आंखें हुई और आपके अपने परिवार हैं तो हजार और लाख आंखें हैं। हम चाहते हैं ये हजार और लाख आंखें हमारी मदद करें। आप जो कानूनी चुनौतियां हैं, जो सिरफिरे लोग हैं, जो चोरी चकारी या नशा का धंधा कर रहे हैं, आपसे छिपा नहीं है, पक्का जानिए। हमसे छिपा हो सकता है या हमसे मिला भी हो सकता है किसी लेवल पर, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई अपराध रेगुलर हो रहा है तो पुलिस की साठगांठ होती है। अगर रेगुलर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है तो हो सकता है कि नहीं जानकारी में हो, लेकिन लगातार अगर एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के कार्य कर रहा है तो गड़बड़ है। लेकिन ये पक्का मानिए कि सब उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कृपा करके आप सूचनाएं हम लोगों को दीजिए। ये इसलिए भी जरूरी है, इसलिए नहीं कि हमारी सफलता का द्योतक होंगी, इसलिए भी जरूरी है कि आज जो बुराई है एक घर में, कल वो बुराई कहीं ना कहीं हमारा आपका दरवाजा भी खटखटाएगी, चाहे जिस प्रकार की बुराई हो और चाहे हम जिस हैसियत में हो। आज मैं पुलिस अफसर हूं, अगर किसी भी बेटी का दुपट्टा छीना जाता है तो कल मेरे घर में ये घटना हो, मान लीजिए मेरे घर में नहीं हो तो मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरी कहीं भांजी है, मेरी कहीं भतीजी है, कल पौत्री होगी, मतलब कोई ना कोई रिश्ते में। तो यानी अच्छा ये है कि समाज में हर बेटी की इज्जत हो, हर बेटी को सम्मान और इज्जत से देखा जाए, हर दूसरे की महिला को सम्मान से देखा जाए, क्योंकि आप अगर ऐसा हम आप नहीं करेंगे तो कभी कभी अच्छे नागरिकों की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो सोचते हैं कि साहब हमसे क्या।